इस समय आपको सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरिग्नैक से, जहां पर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथ ही आप रफाल को देख रहे हैं। रफाल को रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पेशली पहुंचे हैं। पेरिस पहले वो गए, वहां पर उनका बहुत बिजी कार्यक्रम रहा, और अब रक्षा मंत्री के सीधे आप तस्वीरें उस जगह से, मेरिग्नैक ये जगह सबब का इलाका बोदो के पास, वहां पर रक्षा मंत्री उसी एयरबेस पर मौजूद। रफाल, देखिए चार चीजें हैं आज। सबसे पहले रक्षा मंत्री को रफाल को सौंपा जाएगा, रक्षा मंत्री उसकी शस्त्र पूजा करेंगे, दशहरे का दिन है, शस्त्र पूजा करेंगे, उसके बाद रफाल का इंडक्शन होगा और फिर रफाल पर उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अब से बस कुछ ही मिनटों में, अब से बस कुछ ही देर में रक्षा मंत्री को रफाल, जिसका लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, जिसके फ्रेंच मीनिंग की बात की जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है तूफान। तूफान तो ये लेकर आएगा, क्योंकि आज रफाल भारत का हो चुका है और खलबली हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मची हुई है। खलबली इस बात को लेकर मची हुई है कि रफाल की अगर क्षमता की बात करें तो 8 मिनट में ये अम्बाला से लाहौर पहुंच जाएगा और 3 मिनट में ये हाशिमारा से चाइना बॉर्डर पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि जो भी भारत के शत्रु हैं या भारत के लिए दुर्भावना रखते हैं, उनके लिए ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सीधे मेरिग्नैक एयरबेस और वहीं पर दसो एविएशन, ये एक सबब का इलाका बोदो के पास, वहीं पर दसो एविएशन जिसने इसे बनाया है, उसका ऑफिस भी है, उसकी फैक्ट्री भी है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहले पेरिस में, उनका काफ़ी बिजी कार्यक्रम रहा, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वो मिले थे, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, इसके अलावा जो डिफेंस मामलों में प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और डिफेंस एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें भारत और फ्रांस के बीच बहुत ज़्यादा जो सहयोग है वो हमें देखने को मिला है, और उसी कड़ी में ये नया चैप्टर, इसे आप रफाल चैप्टर कह सकते हैं, भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिहाज से भी और भारतीय एयरफोर्स के लिहाज से भी। जरा इसे ऐसे भी देखिए कि आज भारतीय वायुसेना अपना 87वां स्थापना दिवस मना रही है और उसकी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ने जा रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हनुमानी ताकत है, ये वायु ताकत है, ये वो ताकत है जिसका इंतजार वायुसेना को था। क्योंकि अगर मौजूदा स्क्वाड्रन की बात करें तो करीब 30 स्क्वाड्रन ही है, जबकि भारत की जो जरूरत है वो 42 स्क्वाड्रन की है। इसे काफी एजिंग भी बताया जाता है। उस लिहाज से ये तस्वीरें बहुत हौसला देने वाली है। और ये 36 रफाल विमानों में से वो विमान पहला विमान जिसे खुद रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि पहले वो रिसीव करेंगे इसे, फिर इसकी शस्त्र पूजा होगी, उसके बाद इंडक्शन होगा और फिर रक्षा मंत्री खुद इसमें उड़ान भरेंगे। विरोधियों के पसीने और छक्के छुड़ाने वाली ये तस्वीरें, इनमें क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को, इनमें क्लियर मैसेज है जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को लटकाने, भटकाने और अटकाने की कोशिश की, उनके लिए इसमें क्लियर मैसेज है सरकार की इच्छा शक्ति को लेकर, कि सरकार कितने मजबूत इरादे के साथ रफाल के मामले में आगे बढ़ी और सरकार ने कैसे बड़ा और कड़ा फैसला ये लिया। ये भारत की ताकत को दिखाता है और यहाँ पर रफाल का महत्व, तभी आपसे बार बार कह रहे हैं हम कि रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कई गुना उसमें इजाफा होने वाला है। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता था। एक तरफ वायुसेना का स्थापना दिवस, दूसरी तरफ पूरा देश बुराइयों पर जीत का पर्व मना रहा है, और दो तरह की बुराइयों की हम जीनियस पर इस वक्त बात कर रहे हैं। ये बुराई एक तरफ आतंक के खिलाफ विजय को दर्शाती ये तस्वीर, जब आप रफाल को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरी तरफ बुराई के खिलाफ जीत का जश्न, रावण दहन, जो कि आप अब से थोड़ी ही देर बाद देखेंगे देश के अलग अलग शहरों में। तो दो तरह की बुराइयों पर जीत का जश्न आज हिंदुस्तान मना रहा है। एक तरफ रफाल ग्रहण होने जा रहा है, जिसका मतलब, मैं जब कह रही हूं आपसे ग्रहण मतलब रफाल की शस्त्र पूजा, रफाल को अपनाने जा रहा है हिंदुस्तान, मिलने वाला है, और दूसरी तरफ रावण दहन की तस्वीरें भी आप देखेंगे। आपको सीधे अपने सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा के पास लेकर चलती हूँ, मेरिग्नैक बेस से हमारे साथ हैं कृष्णमोहन। अभी आप पहले, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए क्या चल रहा है इस समय और आगे क्या क्या होने वाला है।
अदिति, पूरा देश इस समय रावण दहन की तस्वीरें देख रहा होगा, लेकिन ये तस्वीर उससे भी ज्यादा उत्साह दिलाने वाली है। मेरे ठीक पीछे ये है RB001, यानी भारतीय वायुसेना को मिलने वाला पहला रफाल। और अब से कुछ ही मिनट बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ मेरिनाक एयरबेस, जो फ्रांस फ्रेंच एयरफोर्स का एक बेस है, वहीं पर रफाल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करेंगे। रावण दहन की तस्वीरें आपने देश को दिखाई होंगी, अलग अलग जगहों पर रावण के पुतले दिखाए होंगे। ये है भारतीय वायुसेना को मिलने वाला पहला रफाल, टेल नंबर RB001। अदिति, कृष्णमोहन, आपसे भी समझना, एक और बात समझना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, जस्ट फॉर क्लैरिटी, रक्षा मंत्री अभी वहां पर नहीं है क्या? रक्षा मंत्री इस समय दसो एविएशन का जो ऑफिस है, वो कंपनी जिसने इसे बनाया है, इस वक्त वहां पर है, कहां पर है? क्योंकि तस्वीरें हम उनकी लगातार दिखा रहे हैं इस समय। अदिति, मैं भी रक्षा मंत्री के साथ फ्रेंच एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट में, जो सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, वहाँ पेरिस से मेरिनाक पहुँचा हूँ। रक्षा मंत्री ने अभी डेसो एविएशन की असेंबली लाइन देखी है और अभी इस वक्त रक्षा मंत्री बस बगल के कमरे में हैं और औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि रक्षा मंत्री यहीं हैं, मेरिनाक एयरबेस में हैं। अभी हमने उनके साथ जो असेंबली लाइन उन्होंने देखी थी रफाल की, उसकी भी तस्वीरें दिखाई हैं। रक्षा मंत्री यहीं पर हैं और अभी बस थोड़ी देर बाद अभी का जो कार्यक्रम है अदिति, वो ये है कि एक औपचारिक जो सेरेमनी होती है उसमें एक सांकेतिक चाबी होती है एयरक्राफ्ट की, वो सौंपी जाएगी रक्षा मंत्री को और उसके बाद रक्षा मंत्री रफाल के क्योंकि इस समय हमारे दर्शक रफाल देखना चाहते हैं, वो रफाल जिसका सालों इंतजार करना पड़ा। अगर आप उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि उस रफाल का दीदार करने का हर किसी के मन में, इस समय हर कोई उसी का दीदार करना चाहता है। अदिति, ये पीछे है भारतीय वायुसेना को मिलने वाला पहला रफाल। भारतीय वायुसेना लगभग दो दशक से नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश में थी। दरअसल 90 के दशक के आखिरी वक्त में सुखोई 30 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ था रूस के साथ। 272 एयरक्राफ्ट, उनमें से कुछ फ्लाईवे कंडीशंस में आए थे और बाकियों को HAL ने भारत में बनाया था। सुखोई एयरक्राफ्ट के बाद अब तक भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स नहीं मिल पाए। पिछले दशक में MMRCA यानी मल्टी रोल मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बिड निकाली गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, आगे बढ़ी, 6 कंपनियां थीं, फिर आखिर में 2 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया, जिनमें से एक डेसो एविएशन की रफाल था और दूसरा टाइफून था यूरो कंसोर्टियम का, लेकिन अंत में रफाल के ऊपर फैसला लिया गया। लेकिन वो फैसला फिर से अटकता चला गया और रफाल का जो सौदा था वो अटकता चला गया और उसके बाद नई सरकार आने के बाद रफाल को सीधे 36 रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया गया जो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे। 36 एयरक्राफ्ट का मतलब होता है 2 स्क्वाड्रन। भारतीय वायुसेना में 18 फाइटर एयरक्राफ्ट से एक स्क्वाड्रन बनती है। 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीदने का भी फैसला लिया गया है, जिनमें से एक अंबाला में स्टेशन होगा। अगले साल मई तक उन एयरक्राफ्ट के भारत आने की उम्मीद है। अंबाला में पहली स्क्वाड्रन रेज होगी, दूसरी स्क्वाड्रन नॉर्थ ईस्ट में रेज होगी, जिसके मिसामारी में होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये रफाल एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान करने के लिए 42 स्क्वाड्रन, क्योंकि हम देखेंगे रक्षा मंत्री को इस पर उड़ान भरते हुए और उसके अलावा पीछे भी हम काफी एक्शन देख पा रहे हैं इसके इर्द गिर्द। आप वो एक्शन भी डिस्क्राइब कीजिए और ये रफाल जो आपके एकदम पीछे है उसके बारे में भी और डिटेल दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो रफाल के बारे में आपको बताऊं कि रफाल दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट में इस समय गिना जाता है। और खास बात यह भी, भारतीय वायुसेना के साथ रफाल के साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि डेसो एविएशन ने ही इसे बनाया है। डेसो एविएशन ने पहले भारतीय वायुसेना को मिराज 2000 सप्लाई किए थे। मिराज 2000 से हमारे दर्शक अच्छे से परिचित। मैं आपको आपके पास आऊंगी क्योंकि आपके ऑडियो में इस वक्त दिक्कत है, लेकिन जी न्यूज फर्स्ट ऑन जी ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। रफाल की पहली तस्वीरें हैं, वो रफाल जिसका बहुत लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, जो कि सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जो चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा गहमा गहमी वहां पर, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज के ऐतिहासिक दिन, आध्यात्मिक दिन,
रफाल को लेने के लिए वहीं पर मौजूद है दसो एविएशन, वो कंपनी जिसने इसे बनाया है। और ये एयरबेस से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये रफाल सौंपा जाएगा रक्षा मंत्री को इंडियन एयरफोर्स के बिहाफ पे, और फिर रक्षा मंत्री इसकी शस्त्र पूजा करेंगे। आज विजयादशमी का दिन है, भगवान राम ने पहली बार शस्त्र पूजा की थी, और एक बार फिर से रफाल की वो शस्त्र पूजा की जो तस्वीरें होंगी वो हम आपको जी न्यूज पर लगातार दिखाएंगे। देखिए, बार बार हम आपसे ये वादा करते हैं, ना सिर्फ खबर दिखाते हैं, खबर का विश्लेषण भी दिखाते हैं और खबर के हर पहलू को आपको समझाते हैं। तो इस समय फर्स्ट ऑन जी वो तस्वीरें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, मेरिनैक एयरबेस जहां पर फ्रेंच एयरफोर्स जो है उसका स्टेशन है, और वहीं पर रफाल की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं भारत का पहला रफाल लेने के लिए। 36 ऐसे रफाल विमान भारत को दिए जाने वाले हैं। हिंदुस्तान ये मई 2020 में पहुंचेंगे, लेकिन आज भारत के हाथ में अपना पहला रफाल आ जाएगा, यानी भारतीय एयरफोर्स के स्थापना दिवस पर। इससे बड़ा प्रेजेंट इंडियन एयरफोर्स को भारत सरकार की तरफ से नहीं हो सकता था। देखिए, ये वो रफाल विमान है जो बहुत जल्द आपको भारतीय वायुसेना के बेड़े में दिखाई देगा। दसो एविएशन वो कंपनी जिसने इसे बनाया है, कई सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर इसकी भारत के लिहाज से बात की जाए, 13 इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस इसमें किए गए, और साथ ही इसमें कहा जा रहा है इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज होंगे, रडार वार्निंग रिसीवर है इसके अंदर, 10 घंटे का ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड कर सकता है, साथ ही इंफ्रारेड सर्चिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा ये भी बता दूं जो भारत का अभी मौजूदा स्क्वाड्रन है, थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी को आप सुखोई 30 का जिक्र करते हुए सुन रहे थे, उससे इसका रिएक्शन टाइम जो है वो 1.5 टाइम्स कम है। इसकी जो रेंज है वो अराउंड 1000 किलोमीटर है, जबकि सुखोई की अगर बात करूं, मैं आपको जानबूझकर ये तथ्य आपके सामने रख रही हूं ताकि आप इन तस्वीरों को और इन तस्वीरों के महत्व को और इस फाइटर जेट की एबिलिटी, कैपेबिलिटी और साथ ही इसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा अच्छे से समझ सके। तो जहां रेंज की बात की जाए तो सुखोई की रेंज 500 किलोमीटर है, रफाल की रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर है। 75% अवेलेबिलिटी इसकी है, जबकि सुखोई 30 की बात करें तो वो सिर्फ 55% रहती थी। मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये हैंडओवर होना है। आपसे बार बार कह रहे हैं आज का दिन है ऐतिहासिक दिन, आध्यात्मिक दिन, दो तरह की बुराइयां, एक तरफ आतंकवाद पर विजय की तस्वीर फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि आप रफाल की तस्वीर देख रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, कितनी देर में ये हैंडओवर होगा और इस रफाल के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं, और फिर तो भारत की तैयारी आगे इसे घर में भी बनाने की है। देखिए अदिति, रफाल दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। ये स्कैल्प मिसाइल फायर करता है और उसके अलावा मेटियोर मिसाइल फायर करता है। ये दोनों मिसाइल, मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कही जाती है, जो एयर टू एयर फायर करती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर 27 फरवरी की तरह का कोई सीन आता है कि जब कि दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के अंदर घुसता है, तो उसको फायर करने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से मेटियोर मिसाइल फायर होती है और वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंगेज करती है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो अपने आप अपना रास्ता ढूंढती है। एक बार अगर उसके रडार में वो दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ गया और फायर कर दिया गया तो वो बचेगा नहीं, उसको फॉलो करके वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। उसके अलावा स्कैल्प मिसाइल फायर होती है जो कि ग्राउंड अटैक के लिए काम आती है। मिसाल के तौर पर जैसे मिराज 2000 ने स्पाइस मिसाइल के जरिए, स्पाइस बॉम्ब्स के जरिए बालाकोट में टेरर कैंप्स पर अटैक किया था। स्कैल्प बहुत अच्छी मिसाइल है, स्पाइस से काफ़ी बेहतर मिसाइल कही जाती है जो ग्राउंड अटैक के काम आएगी। उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट में आमने सामने की लड़ाई के लिए जो गन्स होती हैं वो है रॉकेट्स वगैरह हैं, लेकिन जो सबसे डेडली मिसाइल्स हैं वो मेटियोर हैं और स्कैल्प है। मेटियोर मिसाइल एयर सुपीरियरिटी के लिए, यानी दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट अगर भारतीय वायुसीमा में आता है तो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से उस एयरक्राफ्ट को नष्ट किया जा सकता है। स्पाइस के बजाय स्कैल्प मिसाइल फायर होगी ग्राउंड अटैक के लिए। ये दो सबसे डेडली मिसाइल्स हैं। पीछे ये रफाल खड़ा हुआ है, इसको जो आगे आप देख रहे हैं एक पाउडर की तरह देख रहे हैं, ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है। यानी हवा में उड़ते हुए ही इसमें रिफ्यूलिंग की जा सकती है और इस तरह से इसकी जो रेंज है यानी आगे बढ़ने की क्षमता है उसको अनलिमिटेड किया जा सकता है। यानी इसमें आप हवा में ही ईंधन भरते रहें और उसके बाद चलते रहें। रफाल को द रैबिट कहा जाता है, यानी ये एक किसी खरगोश की तरह पुलाचे भरता है, मनूवर करने में बहुत आसानी रहती है और इसलिए ये दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना इससे इसी कंपनी के इससे मिलते जुलते प्लेटफॉर्म यानी मिराज 2000 का पहले से
इस्तेमाल कर रही है, इसलिए 36 रफाल को इंटीग्रेट करने में बहुत आसानी होगी भारतीय वायुसेना को। एक और दिलचस्प तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि अम्बाला में जो पहली स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की रेज होगी वो स्क्वाड्रन नंबर 17 है। स्क्वाड्रन नंबर 17 वो स्क्वाड्रन है जिसमें पहले MiG-21 होते थे, और करगिल की लड़ाई में इस स्क्वाड्रन ने बहुत काम किया था। आपको याद होगा कि करगिल की लड़ाई में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को वीर गति मिली थी। दरअसल वो जब बटाली की पहाड़ियों में घुसपैठियों के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट कर रहे थे उस समय वो दुश्मन की मिसाइल का शिकार हुए थे, उन्होंने बेल आउट किया और उसके बाद वो पाकिस्तानी इलाके में गिरे और उनको पाकिस्तानियों ने पकड़ा, टॉर्चर किया और मार डाला। उसी 17 स्क्वाड्रन को अब रफाल स्क्वाड्रन में बदला जा रहा है, यानी अम्बाला में जो पहली स्क्वाड्रन रेज हो रही है वो 17 स्क्वाड्रन। और किसी ज़माने में अभी जो वायुसेना अध्यक्ष 30 सितंबर को रिटायर हुए हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, करगिल के टाइम पर वो उसके कमांडिंग अफसर थे। ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है उस स्क्वाड्रन के लिए जिसे देश की पहली रफाल स्क्वाड्रन होने का गौरव हासिल होगा। अब सेरेमनी शुरू होने में थोड़ा सा ही वक्त है, मैं आपको इस ये एक हैंगर है जहाँ पर रफाल ये जैसा कि फैक्ट्री है, फैसिलिटी है, उसी का एक हिस्सा है। मैं आपको चारों तरफ दिखा दूँ, चारों तरफ गहमा गहमी है, मीडिया के लोग हैं, और उसके अलावा फ्रांस और भारत के कूटनीतिक और सैनिक कूटनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है कृष्ण मोहन मिश्रा, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो रफाल है जिसका इंतजार हिंदुस्तान काफी लंबे अरसे से कर रहा है। रफाल की फैक्ट्री से ये सीधे ब्रॉडकास्ट इस समय मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा पहुंचा रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीरें जो है, आप हिंदुस्तानी होने के नाते इस वक्त आपका सीना गर्व से चौड़ा महसूस कर रहे होंगे, आपको फख्र महसूस हो रहा होगा कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स में अब ये शामिल होने जा रहा है। बस कुछ ही मिनटों की बात है जब इसका हैंडओवर किया जाएगा। लंबा इंतजार हालांकि हिंदुस्तान को करना पड़ा, लेकिन आज हर हिंदुस्तानी की निगाहें इस खबर पर टिकी हुई थी कि कब रफाल को हैंडओवर करेगा फ्रांस दसों एविएशन, कब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में रफाल को देंगे और फिर शस्त्र पूजा। कृष्ण मोहन मिश्रा, अगर हम उनका ऑडियो फिक्स कर पाए हो, ऑडियो में काफी तकनीकी खामी आ रही थी। कृष्ण मोहन, जिस एयरबेस पर आप खड़े हैं वो फ्रेंच एयरफोर्स का एयरबेस है, जाहिर तौर पर वहां पर और भी बड़ी संख्या में रफाल विमान होंगे। इसकी फैक्ट्री क्या एयरबेस के साथ ही सिचुएटेड है, वहीं पर है या कहीं दूर है, थोड़ा सबर्ब में जाकर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? चलिए, उनकी आवाज में इस समय टेक्निकल ग्लिच है और हमारी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनका रुख हम करेंगे। लेकिन कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें लगातार बनी हुई है। मैं सभी गेस्ट से ये उम्मीद रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इन तस्वीरों पर हम लगातार बने रहें। ग्रुप कैप्टन सुदीप मेहता, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, रफाल की ये तस्वीरें हैं, किसी भी हिंदुस्तानी को, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आज सही मायने में विजय पर्व है। विजयादशमी हम मना रहे हैं, लेकिन बार बार हम अपने ब्रॉडकास्ट में कह रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन, आध्यात्मिक दिन, एक तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत जिसका रावण दहन, और दूसरी तरफ आतंकवाद पर हिंदुस्तान की विजय, रफाल ग्रहण यानी उसकी शस्त्र पूजा, भारत उसको अपने बेड़े में लेकर आ रहा है। इन तस्वीरों को आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ ये देखते हुए, तस्वीरें देखते हुए। और रफाल कुछ समय पहले हम निराशा से घिरे हुए थे कि शायद हम इस तरीके का आधुनिक वेपन सिस्टम नहीं देख पाएंगे, पर आज वो क्षण आ गया है जो जब हम भारतीय वायुसेना के 87वीं दिवस स्थापना दिवस पर आज विजयदशमी के दिन इस रफाल एयरक्राफ्ट को, आधुनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय वायुसेना में आज शामिल नहीं होगा, लेकिन आज हमारे रक्षा मंत्री उसको रिसीव करेंगे। मैं यूं कहना चाहूँगा कि जो स्क्वाड्रन जिसमें ये शामिल होने वाला है उसे गोल्डन एरो भी कहते हैं। तो यूं मानिए, मैं ऐसे कहना चाहूँगा इसे कि एक गोल्डन एरो जो है आज भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, जो 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है उसका पार्ट बनेगा ये आगे चलकर। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और सभी उत्साहित हैं, और मैं इस मौके पर आपके द्वारा सभी वायु योद्धाओं को अभिनंदन करना चाहूंगा, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और मैं मानता हूं कि ये कैपेबिलिटी भारत को एक ऐसी क्षमता प्रदान करेगी कि वो किसी भी चुनौती के सामना करने के लिए सक्षम होगा। एक बार फिर से मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा का रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन, ये ऐतिहासिक तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सभी हिंदुस्तानी इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा फाइटर जेट जिस पर काफी सियासत भी हुई, लेकिन
देश के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए ये काफी है। इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में तो लगातार हम एक्सपर्ट से बात करें, लेकिन आपसे मैं समझना चाहती हूँ, आप एयरबेस में खड़े हैं, मेरिनैक एयरबेस है ये जो इसकी असेंबली लाइन है, जो रफाल की असेंबली लाइन है, जो जाहिर तौर पर 200 एविएशन हैंडल करती है, क्या ये दोनों एक ही जगह पर है या ये अलग अलग है? दरअसल ये इस एयरबेस में ही असेंबली लाइन है जहां पर इस वक्त हैंडिंग ओवर हो रही है। यहां से तकरीबन एक किलोमीटर से भी कम जगह होगी, दूरी होगी जहां पर वो असेंबली लाइन थी। अभी अभी रक्षा मंत्री ने उस असेंबली लाइन का दौरा किया। दरअसल किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन देखना अपने आप में एक अनुभव होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल रॉ मटेरियल से तैयार होता है, एक के बाद एक एयर फ्रेम बनता है, फिर उसमें चीज़ें फिट होती जाती हैं, फिर उसमें एवियोनिक्स की चीज़ें फिट हो जाती हैं, कम्युनिकेशन की चीज़ें फिट होती जाती हैं और आखिरी में वो तैयार होकर सामने नजर आता है। तो वहाँ पर एक सीरीज पूरी नजर आ रही थी, अगर आप वो तस्वीरें दोबारा दिखाएं, अभी रक्षा मंत्री ने भी उसका निरीक्षण किया, एक के बाद एक और हम देख रहे थे कि RB-005 तैयार होने से जस्ट एक फेज पहले है, RB-004 लगभग तैयार हो चुका है और RB-001 यानी पहला एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना को हैंडओवर होगा वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। दिन बहुत शुभ है, विजयादशमी का दिन है। विजयादशमी के दिन पुराने ज़माने में भारतीय परंपरा के मुताबिक अभियान शुरू किए जाते थे, सैनिक अभियान शुरू किए जाते थे। विजय का त्यौहार है और इस दिन शस्त्र पूजन का बहुत महत्व होता है और बहुत दिलचस्प बात है कि आज यहाँ शस्त्र पूजन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रफाल का। बहुत शुभ ये एक दिन है कि विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करने का मौका रफाल का मिल रहा है और विजयादशमी के दिन भारतीय वायुसेना को रफाल मिल रहा है। अदिति, इस एयरक्राफ्ट की जरूरत भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा थी। भारतीय वायुसेना की कुल स्क्वाड्रन 31 32 के आसपास है। हम रफाल को लेकर बात कर रहे हैं, अगर आप इसके आपका कैमरा मूव कर सके, रफाल के इर्द गिर्द मूव कर सके, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं या कुछ और बातें जो आप हाईलाइट करना चाहें आप उसे हाईलाइट करें। और इस वक्त हम कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रक्षा मंत्री का रहा था। रक्षा मंत्री फ्रांस के रक्षा मंत्री से मिले थे, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले थे और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं, डिफेंस एडवाइज़र हैं, उनसे भी मिले थे। और साथ ही इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मेरिनैक एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पेरिस से आप लगा लीजिए करीब 600 किलोमीटर दूर ये एयरबेस है और वहीं पर रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट से जुड़े हुए मिनिस्टर्स और लोग भी मौजूद हैं, ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कंसिस्टेंसी देखी गई है हिंदुस्तान फ्रांस के संबंधों को लेकर। लगातार बार बार आपको याद दिला रहे हैं ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि ये रफाल की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये आतंक पर हिंदुस्तान की विजय की तस्वीरें हैं। आज भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस भी मना रही है, ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि विजयदशमी के दिन हनुमान की ताकत एयरफोर्स को मिलने वाली है इस रफाल के तौर पर, रफाल की सूरत में। कृष्ण मोहन मिश्रा, और क्या डिटेल्स हैं वहां पर और तस्वीरें? हम रफाल को ज्यादा से ज्यादा देखना और समझना चाहते हैं। अदिति, इस समय हमारे सामने रफाल, भारतीय वायुसेना को मिलने वाला पहला रफाल खड़ा हुआ है। इससे पहले जो भी तस्वीरें थोड़ी देर पहले आई हैं वो भी तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रही होंगी। रफाल दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में है, ये सारी चीज़ें प्रूफ हैं। अब इस समय जो हमारे सामने एयरक्राफ्ट दिख रहा है वो डबल सीटर है, उसके उसमें दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट में जो हथियार होते हैं वो उसके विंग्स के नीचे होते हैं। विंग्स आप देख रही होंगी, विंग्स के नीचे एयरक्राफ्ट के हथियार होते हैं। और अगर अभी इसमें देखिए, रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम के लिए इस हॉल में आ रहे हैं, उनके साथ भारतीय कूटनीतिक और मिलिट्री से डिप्लोमेसी से जुड़े हुए लोग भी हैं और फ्रांस के भी हैं। भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा संबंधों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। फ्रांस और भारत के रक्षा संबंध काफी पुराने रहे हैं, लेकिन अब उनमें शायद रक्षा मंत्री को हम देख रहे हैं और शायद ये फ्लोरेंस पार्ली है जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर है उनके साथ, और अब ये हैंड ओवर किया जाएगा। एरिक टेपिये है जो कि सीईओ है 200 एविएशन के, और किसी किसे आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, इस समय फ्रांस के और भारत के जो भी कूटनीतिक और सैनिक मामलों से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बता रहा था कि रक्षा मंत्री का दिन आज बहुत व्यस्त रहा, उन्होंने सुबह पेरिस में फ्रेंच राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने मैक्रों से, और अब उसके बाद यहाँ से जाने के बाद अभी उनकी मुलाकात, एक लंबी मुलाकात चलेगी फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर के साथ। सिर्फ यहीं पर बात नहीं ख़त्म होगी, कल यानी 9 तारीख को रक्षा मंत्री फ्रांस की इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे। जैसा आप जानती हैं कि भारत मेक इन
इंडिया यानी भारत में ही हथियारों का निर्माण हो, इस बारे में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंच इंडस्ट्री के साथ जो रक्षा मंत्री की मुलाकात होगी उसमें वो संभावनाएं तलाशी जाएंगी कि फ्रांस की जो इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री है, उसके साथ आगे भारत किस तरह से संबंध आगे बढ़ा सकता है। ये दो दिन की जो मुलाकात है और दो दिन का जो रक्षा मंत्री का दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रफाल का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उसके साथ जो फ्रांस और भारत के रक्षा संबंधों में एक शायद नया मोड़ आएगा वो एक देखने लायक चीज होगी। अदिति, देखिए इस समय जो तस्वीरें अपने दर्शकों को बता रहे, कृष्ण मोहन आप रहिए हमारे साथ क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है ये आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है और वो आपसे मैं जानूंगी। लेकिन इस समय तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उस हैंडओवर सेरेमनी की, रफाल वहीं पर खड़ा है। आपने देखा मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी न्यूज वहीं पर मौजूद है जहां पर ये हैंडओवर सेरेमनी होनी है, जहां पर वो पहला रफाल विमान मौजूद है, खड़ा है, जिसको हैंडओवर किया जाना है रक्षा मंत्री को। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को आप देख रहे थे और ये देखिए समय रिप्रेजेंटेशनल वीडियो है, ये वो वीडियो दिखाया जा रहा है। रक्षा मंत्री वहीं पर मौजूद है, आपने देखा उन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए थे। तो